मायसेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, डायबिटीज़ जिस तेज़ी से अपना पैर फैला रही है उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में डायबिटीज़ होने का खतरा बना ही रहता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से 5 उपाय भविष्य में डायबिटीज़ के खतरे को कम करते हैं, और जिन लोगों की डायबिटीज़ की बीमारी को भी 5 या 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं उसको रिवर्स करने में या उनकी दवाइयों की डोज को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि सुबह जल्दी उठकर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अवश्य करें। इसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कोई आउटडोर खेल खेलना शामिल कर सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपके वजन को नियंत्रित करती है तथा इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है, और ये दोनों फायदे आपके अंदर पहले से मौजूद इंसुलिन को और प्रभावशाली ढंग से काम करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में डायबिटीज़ का खतरा कम होता है या इसको रिवर्स करने में मदद करती है। दूसरा बदलाव आपको यह करना है कि सुबह नाश्ते के पहले और दोपहर के खाने के 1/2 घंटा पहले, या जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नाश्ते और दोपहर के खाने के तुरंत पहले आपको ढेर सारा सलाद और कच्ची सब्जियाँ खानी हैं। जो लोग कच्ची सब्जियाँ या सलाद डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं वो इसे स्टीम करके ले सकते हैं। सलाद और सब्जियों में ढेर सारा फाइबर होता है, तो जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जैसे कि आलू, चावल, रोटी, तो सलाद और सब्जियों में मौजूद फाइबर का नेटवर्क इस ब्लड शुगर को इंटरैप्ट कर लेता है और हमारे ब्लड के शुगर का स्तर अचानक से नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन सिक्रेट करने वाली पैंक्रियाज के ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़ता है, वो कम इंसुलिन सिक्रेट करके भी ब्लड शुगर को नियंत्रित कर लेती है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज़ की बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। खाने के पहले सलाद खाने के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि WHO ने अपने हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को शामिल किया है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार थाली के आधे हिस्से में सलाद और सब्जियां होनी चाहिए, जिनको कि सबसे पहले खाना चाहिए। थाली के 1/4 हिस्से में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जिन्हें कि सलाद और सब्जियों के बाद खाना चाहिए, तथा बचे हुए 1/4 भाग में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, चावल, रोटी इत्यादि होनी चाहिए, जिनको कि सबसे लास्ट में खाना चाहिए। तीसरा बदलाव यह करना है कि अपने भोजन में उन खाद्य पदार्थों की मात्रा को कम से कम रखना है जो कि ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जैसे कि आलू, चावल, चीनी, मैदा, तले हुए खाद्य पदार्थ और प्योर गेहूँ की रोटी। प्योर गेहूँ की रोटी की जगह पे ज्वार, बाजरा, जौ, चना या अन्य प्रकार के मिलेट से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करना है। रोटी में गेहूँ की प्रतिशत 20% से ज़्यादा नहीं होनी। चौथा उपाय या बदलाव यह करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद बैठें या लेटें नहीं, 5 से 10 मिनट की चहलकदमी अवश्य करें। खाना खाने के बाद चहलकदमी करने से आपकी मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं, और ये एक्टिव मांसपेशियाँ आपके ब्लड से शुगर को अपने अंदर खींच लेती हैं, जिससे खाना खाने के तुरंत बाद बढ़ने वाली शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। पांचवा और महत्वपूर्ण बताओ आपको ये करना है कि रात का खाना यानी कि डिनर आपको 5 से 7 बजे के बीच में ले लेना है, और डिनर आपका बहुत ही हल्का होना चाहिए, और बेहतर यह है कि डिनर में यदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों का सूप बना के लिया जाए तो सबसे बेस्ट है। यदि आप देर रात से खाना खाते हैं तो आप सोते हुए भी आपके शरीर के अंग एक्टिव रहते हैं, भोजन को पचाने में लगे रहते हैं, उनको पूर्णतया विश्राम नहीं मिलता है। परंतु यदि आप खाना शाम को जल्दी खा लेते हैं, इससे आपके शरीर के अंगों को भी सोते समय पूरी तरह विश्राम मिलता है और वो नई ऊर्जा से भर जाते हैं और अगले दिन का पाचन का कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यदि आप रात का डिनर जल्दी करते हैं तो इससे आपको आपके वजन को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, आपका पाचन काफ़ी मजबूत होता है और आपको साउंड स्लीप आती है, और ये फायदे आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में बहुत मदद करते हैं, जिससे भविष्य में डायबिटीज़ का खतरा कम होता है या इसे रिवर्स करने में भी मदद मिलती है। यदि आप रात का खाना जल्दी खाते हैं तो इससे स्वतः इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है 24 घंटे में 14 से 16 घंटे का पीरियड ऐसा आपको रखना है जिसमें आप कोई खाना नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक शोधों में इंटरमिटेंट फास्टिंग को डायबिटीज़ के नियंत्रण में या डायबिटीज़ के बचाव में और इसके रिवर्सल में बहुत ही उपयोगी पाया गया है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें
जिससे तेजी से फैलती डायबिटीज की बीमारी से लोग अपना बचाव कर सकें या इसे रिवर्स कर सकें या फिर अपनी डायबिटीज की दवाइयों की डोज कम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।